जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए हर समय अलर्ट रहते हैं। तरह तरह के ऑपरेशन चलाकर आतंकवाद का खात्मा करने में हमारे जवान लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले से सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF के दो आतंकवादियों को बांदीपोरा से उस समय पकड़ा जब वो श्रीनगर की ओर जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों की पहचान दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले इमाद अमीन चोपन उर्फ चीता भाई और ताहिर अहमद भट्ट उर्फ टाइगर के रूप में की गई है। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास से चीन निर्मित एक पिस्टल, एक मैगजीन और कुछ कारतूस, एक चीनी ग्रेनेड और डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उनके आकाओं ने दक्षिण कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट के मॉड्यूल को पुनर्जीवित करने के लिए हथियार और गोला बारूद हासिल करने का काम सौंपा था। इससे पहले सुरक्षा बलों ने गुरुवार को हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों के 3 साथियों अब्दुल रौफ मलिक, अल्ताफ अहमद पायर और रियाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया था। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।